आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि इस बुलेट बम से किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल मुर्गे का बुलेट बम है और आज इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप देख सकते हैं ये कुटरा लिया है स्टील का, लोहे का बोल सकते हैं आप। इस पर इसको देखते हैं कितना प्रेशर मारता है और कैसे धमाका करता है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ चंद्रशेखर 315 चैनल के माध्यम से, आपको इस वीडियो का पूरा आनंद लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये यहाँ पर खुला है, आप देख सकते हैं, और इसको बुलेट बम को हम ऐसे सिलकाएंगे। डरना बिल्कुल नहीं है आपने। तो गाइस डरना बिल्कुल नहीं है आपने। इसके ऊपर रख देते हैं, देखते हैं। तो ये सही तरीके से कैमरे की चपेट में नहीं आया है, इसलिए हम इसे दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे। कहाँ गया? तो दोबारा भी गए जी, ये कैमरे की निगाह में नहीं आ पाया है और स्पीड ज़्यादा होने के कारण मैं इतनी तेज़ी से कैमरा नहीं इस पर ले जा पाया कि ये जो कैमरे की चपेट में आ जाए और ये आपको नज़र आ जाए, क्योंकि स्पीड ज़्यादा गोली की नाप थी कि बहुत तेज़ी से ऊपर हो गया। इसलिए अब की बार मैं इस कैमरे को लेकर छत पर चढ़ रहा हूँ गाइज, और छत से आपको इसकी ऊंचाई दिखाऊंगा कितनी ऊंचाई पर यह जाता है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, देखते हैं गाइज। देख सकते कितनी ऊंचाई पर गया, देसी भाषा में बोले तो तगड़ी ऊंचाई पर गया है कोटरा, गजब हो गया। तगड़ी ऊंचाई पर गया, देसी भाषा में बोले तो गजब हो गया। इतना तो अनुमान भी नहीं था कि इतनी ऊंचाई पर यह पटाखा इतनी ऊपर कोटरा पहुंचाएगा। आप देख सकते हैं कहाँ पर यह कोटरा मुझे मिला है, दूसरे की छत पर जाना पड़ा है जिनने पर जब यह कोटरा हाथ लगा। आप देख सकते हैं कोटरे की हालत कितनी बेचिदा हो चुकी है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है कोटरे की। बहुत तगड़ा बुलेट बम का प्रेशर था, इतना हमें भी अनुमान नहीं था कि इतनी ऊंचाई ये बुलेट बम इसको पकड़ा देगा गाइज। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, रोमांचक लगी होगी, और नए व्लॉग में इसी रोमांच के साथ नए व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी चंद्रशेखर 315 चैनल के माध्यम से। तो गाइस जब तक के लिए सतर्क रहे, सावधान रहे, स्वस्थ रहे। अगली व्लॉग वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।